हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा लाइफस्टाइल में। सो आज वाली ये जो केक की वीडियो है, इसे मैंने थोड़े टाइम पहले रिकॉर्ड किया था, बट मैंने इसे शेयर नहीं किया था। बट डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर से शेयर करना चाहिए। सो यहाँ पे 75 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से मैंने एक स्पॉन्ज तैयार किया है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि इसे ठंडा कर लिया है अच्छे से, और उसके बाद इसको तीन लेयर में कट किया है। देन यहाँ पर अप्लाई करेंगे हमारी क्रीम। सबसे पहले हम यहाँ पे मिडल वाला जो हमारा पीस है के स्पॉन्ज का, उसको रखेंगे। उसके बाद इस पर क्रीम लगा के इसको अच्छे से इवनली क्रीम को हम स्प्रेड करेंगे, मतलब सब साइड में एक बराबर क्रीम होनी चाहिए। जितना हमारा स्पॉन्ज की थिकनेस होती है, उतनी ही थिकनेस हमारी क्रीम की भी होनी चाहिए। देन इसके ऊपर मैंने डाला है पाइनएप्पल क्रश। क्रश डालने के बाद भी उसको अच्छे से उसको भी हम स्प्रेड कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें चाहिए तो आप कोई टॉपिंग्स डाल सकते हैं, जैसे आपको अगर पता है पसंद है तो आप पाइनएप्पल के छोटे छोटे टुकड़े भी करके उसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अदरवाइज आप इसे सिंपल फ्लेवर में भी बना सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे फिर से सेकेंड लेयर रखी है, और उसके बाद ये प्रोसेस सेम हम रिपीट करेंगे टॉप लेयर तक। साथ ही साथ हम साइड के भी फिनिशिंग करते जाएंगे, जिससे हमारा केक जो है वो इवन दिखे, वो मतलब आड़ा टेढ़ा बिल्कुल ना दिखे, एक बराबर स्ट्रेट दिखे। तो इसके लिए हम साइड से भी प्रॉपर क्लीन करते जाएंगे, देन ऊपर से भी करेंगे, और ये सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे हमारे थर्ड लेयर तक। फिर इसके बाद इसके क्रम कोट करके हम इसे 10 मिनट के लिए सेट कर लेंगे फ्रिज में, और उसके बाद हम फाइनल कोटिंग करेंगे। तो फाइनल के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने टॉपर क्रीम लगा लिया है, और साइड में भी अच्छे से क्रीम लगा लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि क्रीम ज़्यादा लग रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जब हम फाइनल फिनिशिंग देंगे ना, तो मतलब जब हम स्पैचुला से क्लीन करते हैं, तो एक्स्ट्रा जो भी क्रीम होती है वो निकल जाती है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा क्रीम लगाया हमने केक में। तो यहाँ पर आप अच्छे से पहले क्रीम लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ पे एक बार स्पैचुला से क्लीन कीजिए। उसके बाद आप ले लीजिए जिगजैग वाला स्क्रैपर, और उससे अच्छे से क्लीन कर दीजिए, और इस तरीके से आपकी जिगजैग डिज़ाइन आ जाएगी। बट अगर आपकी डिज़ाइन प्रॉपर क्लीन नहीं है, जैसे यहाँ पर मेरे केस में हुआ है, तो आप वापस से क्रीम लगाइए एक बार अच्छे से, और उसे स्मूथ करके आप वापस से स्क्रैपर से स्क्रैप कर दीजिए, तो आपकी जो अच्छे से जिगजैग वाली डिज़ाइन आ जाएगी। इस तरीके से तो यहाँ पर ऊपर का यहाँ क्लीन करने के लिए मैंने स्पैचुला लिया और इस तरीके से क्लीन कर लिया है। इसके बाद आप इसे चाहिए तो 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं। देन उसके बाद आप बना लीजिए चॉकलेट गनाश, और उसको डाल के ऊपर टॉप पर यूँ इस तरीके से पोर कीजिए, और साथ ही साथ आप साइड में ड्रिप्स भी गिरा सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर हाफ केक को चॉकलेट गनाश से कवर कर सकते हैं। ये सारे ही बहुत ही सुंदर से डिज़ाइन हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर इतनी प्रोसेस होने के बाद मैंने यहाँ पर सेम व्हिपिंग क्रीम को भर लिया है एक छोटे वाले स्टार नोजल में, स्टार नोजल के पाइपिंग बैग में। देन यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे मैंने बॉर्डर्स बना लिए हैं, और उसके बाद ये सेम मैंने क्या किया है कि यहाँ पर ऊपर टॉप पर भी इसी नोजल का यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हमारे लेटर्स लिख लिए, क्योंकि ये केक मैंने पापा के लिए बनाया था, तो यहाँ पर मैंने पापा के नाम के लेटर्स बनाए थे चॉकलेट से ही,
और उसको रखने के बाद मैंने सेम नोज़ल से ही यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टार और ऐसे छोटे वाले फ्लावर्स बना लिए हैं। और ये करने के बाद मेरा केक हो गया है कंप्लीट। सो ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी, ये लुक कैसा लगा केक का, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फिर मिलेंगे ऐसी किसी और डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।